नमस्कार। बलिया में छठ का महापर्व, आस्था का महापर्व आज महावीर घाट गंगा के किनारे भगवान सूर्य की उपासना करने के बाद, भगवान सूर्य के दर्शन करने के बाद ये भीड़ जो है व्रती महिलाओं की, लोगों की, अब अपने घरों के तरफ जा रही है। आज सुबह 4 बजे से इस छठ घाट पर, इस महावीर घाट पर दो दो घाट सजाए गए थे, एक गायत्री मंदिर के पास तो दूसरा गायत्री मंदिर के सामने सड़क के उस पार, दो घाट थे। और सबसे ज़्यादा भीड़ आज इस महावीर घाट पर होती है और ये भीड़ शहर के प्रमुख जगहों से आती है। गाजे बाजे के साथ आज छठ का ये महापर्व 6:32 पर भगवान सूर्य को दर्शन आराधना अर्घ देने के बाद अब छठ पूजन संपन्न हो चुका है। बात करें छठ का महापर्व 2024 बड़े ही धूमधाम से इस भृगु क्षेत्र में संपन्न हो चुका है। वैसे सभी राजनीतिक दलों के नेता भी थे। बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बड़े से बड़े नेता आज इस बलिया के इस भृगु क्षेत्र में छठ के इस घाट पर व्रती महिलाओं को और लोगों को, आज उनके साथ काफ़ी समय उन्होंने दिया है। ये भीड़ आप देख सकते हैं कि महावीर घाट से अब वैसे चमन सिंह महावीर रोड, गुदरी बाजार, लोहापट्टी, सिनेमा रोड, बात करें बिचला घाट, महावीर घाट, लाट घाट, हॉस्पिटल रोड, ये तमाम जगहों से ये भीड़ यहाँ आती है। और इस बच्चों में काफ़ी उत्साह है, लोगों में पटाखे छोड़ना, आसमान में पटाखे छोड़ने, दौरा लेकर घर के तरफ बढ़ना और ज़्यादा वहीं जाम जैसी स्थिति ना हो उसको लेकर एसपी विक्रांत बीर ने भी बड़ी तैयारी की थी और तैयारी पूर्ण रूप से सफल रहा। और ईश्वर के कृपा से ये छठ का महापर्व बड़े ही शांति तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो चुका है। अब लोग अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई ई रिक्शा से, कोई अपने वाहन से, कोई निजी अपने संसाधनों से लोग बढ़ रहे हैं। गाजे बाजे के साथ लोग निकल रहे हैं, देख सकते हैं कि बाजे भी बज रहे हैं। तो दोस्तों, जो दीपावली के बाद से जो खरीदारी हुई, जो मार्केट में, जो शहर में भीड़ लगी, दुकानों पे जो पूजन सामग्रियों की खरीदारी हुई, साड़ियों के दुकानों पे और सौंदर्य से जुड़े दुकानों पे जो महिलाओं की भीड़ रही, तो ऐसे में दुकानदार भी खुश हुए। और गंगा तट के किनारे इतना बड़ा जो रेला आज उमड़ पड़ा है इस भृगु नगरी में, इस भृगु क्षेत्र में, वाकई हम बात करें बिहार से सटा बलिया है और बगल में आप सिवान जाएंगे, बक्सर जाएंगे, आरा जाएंगे, छपरा जाएंगे, इन जिलों से सीमा से सटा ये अपना बलिया है। और बलिया उत्तर प्रदेश का एकमात्र जनपद है और इस मात्र जनपद में, उत्तर प्रदेश में बलिया एक खास इसलिए मायने रखता है ये छठ का पर्व, क्योंकि बिहार से सटा है। बिहार से सटा होने के कारण इसलिए ज़्यादातर आस्था, एक शुरुआत उस वक्त हुई 1995 में रामलीला मैदान में या इस घाट पर के एक छोटी सी जो शुरुआत हुई, अब ये शुरुआत एक बड़े पैमाने पर ले चुका है, एक बड़ा रूप ले लिया है। अब तो हर साल संख्या और भी बढ़ती जा रही है और ये मैं कह सकता हूँ कि ये रोड पहले जो था ये तो माननीय मंत्री जी ने और प्रशासन ने इसको बेहतर किया, उसको समतल किया कि ये रोड कायदे का हो जाए, लोगों को चलने लायक हो जाए। तो एक प्रयास बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सफल रहा सरकार की, यहाँ के जिला प्रशासन की, कि महिलाएं जो व्रती महिलाओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं तो यहाँ तो कीचड़ जैसा, गंदा जैसा माहौल होता था, लेकिन साफ सुथरा ये माहौल है आज का। तो दोस्तों, आज का ये पर्व, ये भीड़ कम नहीं होगी क्योंकि भीड़ तो हमें लगता है कि 10,000 से भी ज़्यादा लोग होंगे, मेरा जो अपना अनुमान है। अब धीरे धीरे भीड़ निकल रही है क्योंकि 10,000 से ऊपर कहा जा सकता है। देखिए, ई रिक्शा से लोग जा रहे हैं, ऊपर दौरा है, प्रसाद है, बच्चे भी बड़े उत्साह हैं, लोगों में एक बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। ये कारवा जो है ख़त्म नहीं होगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और आज का ये जो पर्व है, महापर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है और आज दिन शुक्रवार है, माँ की आराधना है, भगवान का पूजन है। तो आज अधिकतर घाटों पर तो दूध भी निःशुल्क दिए गए क्योंकि सुबह 4 बजे दूध तो मिलेगा नहीं, लेकिन आयोजन समिति ने दूध और गंगा जल की व्यवस्था इसलिए किया था कि किसी को बिना गंगा जल और दूध के बिना भगवान की कैसे आराधना होगी, कैसे होगा मंगल कामना। एक प्रयास रहा लोगों का,
इसलिए ये आयोजन समिति ने बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से गंगा जल दूध का भी व्यवस्था किया था। ये आप भीड़ देख सकते हैं, ये वैसे ही रास्ता संगम घाट में जाता है, ददरी मेला मार्ग है। जब कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत होगी तो इससे ज़्यादा भीड़ होगी। कार्तिक पूर्णिमा में तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। 14 और 15 तारीख को इसी नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा भी है। तो आज का ये पर्व जो राष्ट्रीय पर्व के लिए जो बलिया में अलग एक तरीके से छठ पूजा, बात करें 1079 जगहों पर, जिले के 1079 जगहों पर 22 थानों की फोर्स, खुद SP विक्रांत वीर और जिला प्रशासन भी इस छठ के महापर्व को बड़े ही शांति तरीके से बिताया है। दोस्तों, तो आज इस छठ के महापर्व पर हम सभी व्रती महिलाओं को बलिया आजकल के तरफ से, जन संदेश टाइम्स की तरफ से मैं बधाई देता हूँ, आयोजन समितियों को बधाई देता हूँ जिनके प्रयास से ये छठ का पर्व बड़े ही शांति तरीके से संपन्न हुआ है। मैं फिर आपसे जुड़ूंगा, तब तक लेते हैं, जुड़ रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।